हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आप सब, बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नेचुरल होम रेमेडी, आंवले पाउडर की। आप सभी को पता है कि होली का त्यौहार अभी बीता ही है कल, तो इसीलिए बाल ना कलर के कारण बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं धोने के बाद, और कलर भी अच्छे से नहीं निकला है, और बालों की जैसे चमक ही गायब हो चुकी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने लिए ये होम रेमेडी बनाई थी, और मैं नेचुरल चीज़ों से अपने बालों की केयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आंवले का पानी पका लिया है, आंवले का पाउडर का, और यहाँ पर आ गई थी मैं ये इस होम रेडी को बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना काला पानी हो चुका है, और इसी से हमारे बाल काले भी होते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मैं जब भी आपके साथ कोई होम रेमेडी शेयर करती हूँ बालों से रिलेटेड, तो आंवले का पाउडर ज़रूर डालती हूँ उसमें, क्योंकि ये हमारे बालों को नेचुरली काला करता है। इसमें विटामिन सी होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बालों को अंदर से बाहर तक मजबूती देता है ये, और ये हमारे लिए बहुत ही शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो कहती हूँ डेली एक आंवले को जरूर यूज करना चाहिए खाने के रूप में भी। तो यहाँ पर मैं ये सारा पानी इस कटोरी में निकाल ली हूँ, और अब यहाँ पर मैंने एक नींबू ले लिया है, और इसी को काट कर मैं इसमें ऐड करूँगी। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखने के चक्कर में लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ आप अभी से ही लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ तो आप सबको भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। जब मैं यूज़ करती हूँ तो वही मैं आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ जो मैं अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये नींबू इसमें निचोड़ देती हूँ अच्छे से, पूरा नींबू मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको समय पर मिल जाए। सभी को पता है कि इस टाइम बालों के झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है, यहाँ तक कि बालों में इतना बेजान और रूखेपन की समस्या पैदा हो चुकी है कि लोगों में टकला यानी कि गंजा होने की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये होम रेमेडी शेयर की है, क्योंकि मैं अपने बालों में लगाने वाली थी, मेरे बालों में कलर फंसा हुआ था। ये बच्चे शूट कर रहे थे, बच्चों ने मेरे बाल नहीं दिखाए हैं आपको, वरना मेरे पूरे बालों में कलर फंसा हुआ था, और बड़े बुरे तरीके से कलर फंसा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बालों से ही इंसान की सुंदरता होती है। बाल ना हो तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी शर्मिंदगी होती है इंसान को। तो यहीं पर मैंने इसमें शैम्पू भी ऐड कर लिया है, 1 चम्मच पूरा भर के मैंने इसमें शैम्पू लिया है। आपके पास जो शैम्पू है आप बेझिझक वो यूज कीजिएगा, जरूर नहीं है कि मैं पतंजलि यूज करती हूँ तो आप यही कीजिएगा, लेकिन मुझे ये सूट करता है तो इसलिए मैं इसे यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 नींबू का रस और 1 चम्मच पतंजलि शैम्पू ऐड कर लिया है इस आंवले के पाउडर से, जो मैंने रस बनाया था यानी कि पानी पका के रखा था, और उसी से ना हमारे नेचुरल तरीके से ना बाल काले भी होते रहते हैं धीरे धीरे। जितने ग्रे बाल निकलते हैं हमारे ऑरेंज कलर के, वो सब ब्लैक में बदलने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आंवले का सेवन मैं हर चीज़ में, हर रेमेडी में करती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें अच्छे से बबल्स उठ गए हैं, बबल्स उठने का मतलब ये होता है कि हमारी रेमेडी अच्छे से घुट गई है, यानी घुटने का मतलब मेल्ट हो गई है, आपस में अच्छे से मिल गई है। तो अब हम इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे जो हमारे बालों को एकदम से नरिश एंड सिल्की शाइनी बनाने वाला है, और उससे लगाने से हमारे बालों में ऐसे होएगा जैसे कि हमने बालों में कंडीशनर अप्लाई किया है। इसे लगाने के बाद आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पर मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल, और एलोवेरा इस टाइम हमारे बालों के लिए कितना फायदेमंद होता है यह है आप सभी को मेरे से ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों की लेंथ के अनुसार एलोवेरा जेल ले लिया, और इसे भी मैं इसमें अच्छे से मिला लूँगी, और इसे एक अच्छे से शैम्पू में कन्वर्ट कर दूँगी, यानी कि इतना हेल्दी शैम्पू बन जाएगा जो हमारे बालों से कलर को रिमूव करने में हमारी मदद करेगा, और हमारे बालों को सॉफ्ट शाइनी बनाएगा। जो हमारे बालों का नेचुरल पन है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला नहीं है, बाकी पूरा का पूरा वैसा ही बना रहेगा जैसे हमारे बाल कलर खेलने से पहले थे। तो फ्रेंड्स, मैं इसे जाती हूँ अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ,
और अपने बाल धो लेती हूँ। आप भी एक बार जरूर यूज कीजिएगा अगर आपके बालों में कलर लगा हुआ है तो यहाँ पर मैं अपने बाल वॉश करके आ गई थी। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, टाटा।